उनकी जो गजब 95% डिमांड थी सिर्फ पावर बी आई थी। 95% रिक्वायरमेंट ही पावर बी आई, रेस्ट 5% यस पाइथन एसक्यूएल। यस सर, यहाँ पे अभी करंटली आई एम वर्किंग एज 8.5 LPA सर। 8.5 LPA का पैकेज। मैंने यहाँ आने से पहले 50+ इंटरव्यू दिए हैं सर थ्रू लिंक्डइन। स्पेशल इंटरव्यू के लिए मैंने 3,000 रुपए के लिए वाईफाई लगवाया स्पेशल। तो इनहैंड यस अब सर, आपके पास क्या आता है, इनहैंड इन सर्विस हैंड की? मेरे पास 63-64 आती है पीएफ डिडक्शन और डिडक्शन करके सर। मैं अक्सर अपने चैनल पे एक बात करता हूं कि कैसे आप नॉन आईटी फील्ड में होते हुए आप आईटी में आ सकते हो, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब्स ले सकते हो बेस्ड ऑन पावर बीआई, जो कि एक नॉन टेक्निकल काइंड ऑफ टूल है जिसके यूजर इंटरफेस से आप लर्न करके डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो आईटी में, एंड मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 लाख पर एनम। आज जो डिस्कशन होने वाला है, ये जो इंटरव्यू राउंड है, एक काइंड ऑफ डिस्कशन है मेरे एक मेंटी के साथ जिनका नाम है संजय पांचाल। इन्होंने ये अगेन प्रूव करके दिखाया है कि कैसे ये एक नॉन आईटी में थे और आईटी में आए और लाइट बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के बेस पे, और सैलरी एक अमेजिंग इन्होंने ली। एक्चुअल में इन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था वो किया था सिर्फ 4,500 रुपए महीने से। ये MIS डिपार्टमेंट में काम करते थे और कई सालों तक वहां पर इन्होंने काम किया, और वहां पर जो इनका इंक्रीमेंट हुआ वो मैक्सिमम 8,000 रुपए महीने तक ये पहुंचे थे। लेकिन 2022 में इनके करियर में एक बहुत बड़ा टर्न आया, और ये टर्न ऐसा था कि इन्होंने MIS से शिफ्ट किया डेटा एनालिस्ट के जॉब रोल के लिए, जब इन्हें पता चला हमारे इन YouTube वीडियोस के थ्रू कि कैसे नॉन आईटी से आप आईटी में आ सकते हो। तो इन्होंने ये रोड मैप फॉलो किया, पावर बीआई लर्न किया, जिसके बेस पे ये अब एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे हैं। और कमाल की बात यह कि जब इनकी सैलरी थी 8,000 रुपए महीना, अब इनकी जो पैकेज है वो है 8.5 लाख रुपए पर एनम का, 8.5 लाख पर एनम का पैकेज इनका लगा। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, अमेजिंग स्टोरी है, क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने देखे, ये सारी चीजें हमने इस पूरे वीडियो के अंदर एक डिस्कशन किया है, और आई एम श्योर ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इस वीडियो का पर्पस ही यही है आप तक पहुंचाना कि अगर आप एक नॉन आईटी में हो तो आप आईटी में आ सकते हो, आपको किसी कोडिंग प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया है अगेन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इस डिस्कशन को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप भी चाहते हो नॉन आईटी से आईटी में आना, तो आई कैन हेल्प यू आउट, आई कैन शो यू एन एंटायर रोड मैप जिसके थ्रू आप ये चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हो सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर। इनफैक्ट अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि डिफरेंट रिजल्ट लाने के लिए डिफरेंटली चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए अगर आपको करियर शिफ्ट करना है, पिवट करना है, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में 1 से 2 घंटा निकालोगे तो आप डेफिनेटली नॉन आईटी से आईटी में आ पाओगे। तो इसी के लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। आप ये डिस्कशन पूरा देखिए, आप बहुत मोटिवेट होंगे, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, एक चीजें समझ में आएंगी शिफ्ट कैसे करते हैं, और डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन मास्टर क्लास है, इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझाता हूं कि कैसे आप नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हो बिना किसी कोडिंग प्रोग्रामिंग के, और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 6 लाख पर एनम की। तो पहले डिस्कशन देखिए और उसके बाद आप ये मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है वर्थ ₹1500 आपको मिलती है बिल्कुल फ्री, ताकि आपको डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प मिल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वॉच दिस डिस्कशन विद संजय पांचाल, एंड थैंक यू सो मच संजय फॉर शेयरिंग दिस विद आर व्यूअर। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। लेट्स कैरी ऑन। हाय संजय, आप कैसे हेलो हो? सर, आई एम गुड सर, थैंक यू सो हाउ आर मच। आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल भी आपने हमें ज्वाइन किया, और मैं आपको पर्पस क्लियर कर देता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए भी, आपके लिए भी। पर्पस इस कॉल का सिंपली ये है कि आपकी जर्नी हमें समझनी है। जैसे आप डेटा एनालिस्ट PhD करी, राइट? एजुकेशन बैकग्राउंड वाला PhD था, बट आप डेटा एनालिस्ट बने, आप फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट बने, फिर आप डेटा एनालिस्ट बने, फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट बने। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग सी जर्नी है जो हमारा डिस्कशन हुआ था। जर्नी मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी सर, मैक्सिमम लोग जो मेरी ऑडियंस है वो नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं, राइट? जी सर। और हमेशा एक मिथ रहता है आईटी में आने के लिए कि हमें कोडिंग प्रोग्रामिंग चाहिए, राइट? जी। आपकी जो जर्नी रही उसका अगर मैं इनिशियल पार्ट देखूं तो उसके अंदर कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आई टी में आने के लिए जो एंट्री आपने ली थी उसमें कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट? जी। ऑल्दो पार्ट
होती है अगर आपको ग्रो करना है अपने करियर जी तो जर्नी हम लोग आप समझना चाहते हैं और क्या क्या फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हुई और क्या क्या आपकी स्किल वाइज ग्रोथ हुई राइट जी सारी चीजें में समझेंगे और अगेन थैंक यू सो मच आपको आने के लिए आप ये थैंक सारा यू टू सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, वैसे मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर 2015 में कंप्लीट की थी, एज ए बीएससी मैंने किया था। वहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, कुछ भी टूल्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने अपनी पहली जॉब मेरी तो आप ग्रेजुएशन होते कौन से एरिया में कौन से सिटी में रहते हैं आप? सर मैं अभी गोहाना में रहता हूँ, उसे वैसे मेरी गोहाना है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा स्टेट है। सोनीपत। ओके यस ओके हरियाणा में। सो जी मैंने ग्रेजुएशन होते ही मैंने एक जॉब ली सर, MIS की जॉब थी, 4,500 रुपये मंथली मैं वहाँ पे वर्क करता था। तो मैंने MIS की जॉब स्टार्ट कर दी, तो 4 से 5 साल मैंने वो जॉब स्टार्ट की सर, 4 से 5 साल अच्छा की एमआईएस जॉब की आप स्टार्ट जॉब करते थे बट एमआईएस की जॉब आपकी कैसे लगी क्योंकि वहां तो एक्सेल की मेजरली रिक्वायरमेंट होती है तो की। आपने यस सर एक्सेल कहीं लर्न किया था या ऑन द जॉब लर्न किया था? एक्सेल सर मैंने 10th 11th 12th में इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करके सीख लिया था मैंने एक्सेल अच्छा ओके ओके जी। फिर आपने वहां पे तो काम करना शुरू किया एमआईएस जी सर एक्सेल यूज वहाँ करते हुए जहां पे सैलरी जी आपकी जी 4,500 थी 4,500। यस सर यस सर यस सर। ठीक है तो वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट किया सर, 4 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है। 4 साल जॉब करते करते तो मुझे सैलरी इतना इंक्रीमेंट हुआ नहीं, मैं पहुंचा सर 8,000 रुपये तक मैं पहुंचा था। तो सर ये जो 4 से 5 साल में सिर्फ 4.5 से 8,000 पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि Naukri.com पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, अच्छा वहां पे मुझसे एक इंटरव्यू कॉल आया कि वी आर लुकिंग फॉर एज ए डेटा एनालिस्ट, सो आर यू वर्किंग एज ए डेटा एनालिस्ट। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं एक MIS ऑपरेटर हूँ, MIS की जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे हायर उस टाइम तो पे नहीं आपने किया। आई एम सॉरी आपने जो प्रोफाइल क्रिएट करी थी नौकरी पे वो MIS एग्जीक्यूटिव की करी थी बट आपको जी कॉल आ गया था डेटा एनालिस्ट की जॉब डेटा के लिए। जी, क्योंकि वहां पे अच्छा जो मैंने ठीक स्किल मेंशन की थी, मैंने मेंशन किया था मैक्रोस और एडवांस एक्सेल, मैंने अच्छा अपनी स्किल वहां पे मेंशन की होती है, तो उसके बेस पे उन्होंने मुझे ओके कॉल किया था राइट राइट जी। ठीक है तो जैसे ही उनका वो कॉल आया तो मुझे लगा कि डेटा एनालिस्ट की जॉब बहुत मार्केट में है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा यूट्यूब पे स्क्रॉल किया कि जो डेटा ठीक है एनालिस्ट राइट की जॉब है मार्केट में बहुत ट्रेंड पे है, तो मुझे करना चाहिए। तो मुझे डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मैंने फिर रोड मैप चेक किया कि हाउ टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट। तो मैंने रोड मैप चेक किया, तो रोड मैप पे मुझे पता चला कि आपको एक विजुअलाइजेशन टूल आना जरूरी है और थोड़ी वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या SQL कह सकते हो आप। ठीक है जो YouTube से आपको तो पता चला एक विजुअलाइजेशन जी टूल आना चाहिए और एक जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आपको जी डेटा डेटा एनालिस्ट बनना है तो। ठीक है एनालिस्ट ठीक बनना है। है तो फिर मैं क्या करता सर, MIS जो मैं अपने जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ में अपने ग्राफ होते हैं वो प्राइवेट ग्राफ यूज करता था, वो इंटरेक्शन नहीं थे। तो हाँ फिर मैंने इंटरेक्टिविटी नहीं होती थी। ठीक है जी इंटरेक्शन उसमें नहीं था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू लर्न पावर बी आई, क्योंकि मैंने पावर बी आई के बारे अच्छा में थोड़ा बहुत सुना था कि पावर बी आई एक एनालिटिक टूल्स है जी, मैं आप इंटरेक्शन डैशबोर्ड अपना क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक जैसे है मैंने अच्छा यूट्यूब पे स्क्रॉल किया तो मुझे सर आपकी वीडियो सामने आई, आपने एक वीडियो बनाई थी पिंक कलर में, पिंक कलर का डैशबोर्ड था एक, कोई मार्केटिंग का था मेगा मुझे मार्केट एग्जैक्टली डैशबोर्ड मेगा मार्केट का, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे उसका सिनेरियो याद है कि दैट वाज अ पिंक कलर, तो हाँ उसका पिंक कलर का मैंने एक था डेढ़ डेढ़ घंटे का ट्यूटोरियल डाला हुआ है यूट्यूब पे राइट जी। तो उससे मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया है कि कैसे पावर बी को काम करना है, यूज करना है। तो फिर मैंने 1 महीना लगा के पावर बी सीखा। तो मैं जैसे अच्छा पावर बी सीखा, पावर बी ठीक सीखने है के बाद अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था सर एक पाइथन लैंग्वेज का, जैसे कि मैंने सुना अच्छा था। ठीक तो है मैंने एक अच्छा लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया अपने गुहाना शहर में, 5,000 रुपये मंथली उसकी अच्छा फीस थी। तो 3 महीने में मैंने पाइथन वहां से सीखी है, तो मैंने वहां पे बेसिक पाइथन, नंपाई, पैंडा, मैटप्लोटलिब, दो तीन लाइब्रेरी सीखी और पाइथन सीखी है 8,000 रुपये आपकी सैलरी थी और पांच जी हजार रुपये महीना आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड किया जी आगे सर जी ग्रो सर करने उस के टाइम लिए। पे वेरी गुड यार जी वेरी सर गुड बहुत कम लोग ये करते हैं थैंक आजकल गुड यू सर। तो जैसे ही मैंने वो कर दिया, पाइथन मैंने सीख ली, पावर मैंने सीख लिया, तो फिर मैंने Naukri.com पे मैं अगेन चेक कर रहा हूँ कि हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कुंडली इंडस्ट्री है सर, वहां अच्छा पे हाँ एज ए बिल्कुल जॉब का टाइटल था डेटा एनालिस्ट का, वहां पे टूल की डिमांड थी ओनली ऑन पावर बी आई, ओनली पावर भी है ठीक ओनली है पावर बी आई डेवलपर उनको चाहिए था। तो मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए गया, तो विद इन 2 आवर्स में सिलेक्ट हो गया सर, मुझे पहले दिन ही मुझे सिलेक्शन अच्छा वहां पे मिल गया था, क्योंकि वेरी उस गुड कंपनी वेरी की, थैंक यू सर, क्योंकि उस कंपनी की मेन रिक्वायरमेंट थी पावर बी आई, उस कंपनी में सभी गुड एडवांस एक्सेल यूज करते हैं
और उनका मेन पर्पज यही था कि उनको अपना डेटा है, प्रेजेंटेशन है, पावर बीएम चाहिए, उनको एनालिसिस करने में आसानी होनी चाहिए। राइट राइट, वेरी गुड। आई होप यहां तक जो डिस्कशन संजय के साथ चल रहा है वो आपको बहुत ही मोटिवेट कर रहा होगा, हेल्प मिल रही होगी आपको नॉलेज गेन करने में। जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया था कि अगर आपको एंटायर रोड मैप समझना है कि कैसे आप नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हो और अच्छा खासा सैलरी पैकेज आप ले सकते हो बिना किसी कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड पास एक्सपीरियंस के, तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो फर्स्ट कमेंट में गिवन है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और एक एंटायर रोड मैप समझ सकते हैं कि कैसे आप नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट हो सकते हैं और मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम की। और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे आपको बोनस मिलता है वर्थ ₹1500, जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ईबुक है, आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ताकि आपको डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प हो। थैंक यू सो मच, लेट्स कैरी ऑन विद द वीडियो। मैंने जॉब किया सर, वहाँ पे भी अच्छी पैकेज पे जॉब मिली है, इतना अच्छा नहीं था लेकिन अच्छी सैलरी वहाँ पे मुझे ऑफर हुई है। तो कितनी सैलरी ऑफर हुई थी? वहाँ पे 30,000 पर मंथ सर, वहाँ पे जाने के लिए 30,000 पर मंथ, मतलब 8,000 रुपए आपकी पहले सैलरी थी MIS में, जो कि 5-6 साल से आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे, और डायरेक्टली आपने जंप किया 30,000 रुपए पर मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड दैट इज ओनली बेस्ड ऑन पावर बीआई आपको ये जॉब मिली डेटा एनालिस्ट कुंडली। यस सर, एज ए पावर बीआई डेवलपर। वहाँ पे सर उस टाइम पे मुझे पावर बीआई इतना आता नहीं था क्योंकि मैंने रियल सिनेरियो पे कभी काम किया नहीं था, मैं सिर्फ डेमो डेटा पे काम किया हुआ था। लाइक मैंने कैगल से डेटा उठा लिया, गिटहब से डेटा उठा लिया, किसी भी रिपोजिटरी से मैं डेटा उठा लेता था। तो वहाँ पे जाके मुझे रियल सिनेरियो पे काम करने का मौका मिला कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम होता कैसे है पावर बीआई पे। तो उस टाइम पे अगर मैं अपनी स्किल की बात करूँ तो 10 out of 2 मैं अपने आपको स्किल को दूंगा पावर बीआई, उस टाइम पे जो मेरी स्किल थी। तो मैंने काम करते करते काम करते करते मेरे जो पावर बीआई पे इंटरेक्शन बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो धीरे धीरे स्किल डेवलप होती गई वहाँ पे। तो मैं अपने आप को 5-6 नंबर पे लेके आना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ 5 नंबर है मेरे आज के पावर बीआई। तो धीरे धीरे उसके तो मैंने सोचा कि अब साइड बाय साइड लर्निंग मेरी स्टार्ट हो रही थी सर उस टाइम पे। तो मैंने रोड मैप मुझे क्लियर था, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा रोड मैप मुझे क्लियर था, पाइथन मेरा ऑलरेडी हो चुका था, पावर बीआई ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, तो अब मेरा नेक्स्ट आगे था सीक्वल। तो अभी जो आप कुंडली में जॉब कर रहे थे वहां पे पाइथन आपने यूज किया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई रिक्वायर्ड? नो सर, वहाँ पे सिर्फ पावर बीआई की रिक्वायरमेंट, सिर्फ दैट्स इट। सिर्फ पावर बीआई एक्सेल और पावर बीआई जॉब एडवांस एक्सेल और पावर बीआई के बेस पे आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब मिली। अच्छा जी सर, तो सर वहाँ पे सीक्वल मैंने स्टार्ट कर दिया अपना, तो सीक्वल मैंने रन कर लिया 1.5 महीने में, सीक्वल रन कर लिया वहाँ पे, सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल। तो इस तरह तो डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। तो सडनली क्या होता है सर, फिर मैंने कभी मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, मेरे एक सर है अनिल सर, अनिल कोहली सर, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, मानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो स्किल आपके पास है उस स्किल की डिमांड आईटी इंडस्ट्री में, आईटी एमएनसीज में, तो आप वहां पे ट्राई करो। तो सर मैंने सुना था लेकिन कभी वो गाइडेंस नहीं मिली है, कभी कोई मेरा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है ना कोई फ्रेंड सर्कल था, तो मैं पहला ही हूँ जो इस बैकग्राउंड में एंटर हुआ हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपको ना बैंगलोर जाना चाहिए। तो उन्होंने बैंगलोर के बारे में बताया कि बैंगलोर इज ए वेरी बिग आईटी एमएनसी हब, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है, आपको मल्टीनेशनल काम करना पड़ सकता है। तो मैंने उसके बारे में फिर वही बात है सर, यूट्यूब पे पढ़ा, 2-3 दिन लगाए, तो फिर मुझे पता चला कि अगर आपको बैंगलोर अप्लाई करना है तो सबसे इजी वे है वहाँ अप्लाई करने का लिंक्डइन। बिल्कुल सर। तो मैंने अपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, अच्छी प्रोफाइल क्रिएट की, वहाँ पे जॉब का ऑप्शन था राइट साइड में कॉर्नर, तो जो वो पोर्टल था वहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया अप्लाई करना। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे सर मैं 10 से 15 कंपनी में अप्लाई करता था, जो डेटा में सर्च कर लिया था कि डेटा मैंने सर्च कर लिया। तो मेरे अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मैंने यहाँ आने से पहले 50+ इंटरव्यू दिए हैं सर थ्रू लिंक्डइन। 50+ इंटरव्यूज आपने फिजिकल इंटरव्यूज दिए हैं? जी सर, थ्रू लिंक्डइन। यस सर। तो सर जैसे ही लिंक्डइन से मुझे इंटरव्यू कॉल आते थे, एक्चुअली मुझे कोई ITMNC के इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था कह सकते हो। तो जैसे ही एक इंटरव्यू है मुझे रिजेक्शन मिली, तो मुझे कोई बात नहीं रिजेक्शन मिलगी, तो मुझे उस इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिला कि उस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो जिस तरह के उन्होंने क्वेश्चन पुट किए, मैंने उनको एनालाइज किया, स्टडी किया, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू आया उसमें कोई अलग क्वेश्चन आया, फिर मैंने उसका स्टडी किया। तो इस तरह से सर 10-15 इंटरव्यू ऐसे गए, मुझे हर बार अलग क्वेश्चन मिले मुझे उनमें, और मैं उन क्वेश्चन को मैंने नोट किया, डायरी थी मेरे पास एक नोट पैड, उसमें नोट किया मैंने, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उनमें सभी में क्वेश्चन एक ही थे, वो अलग अलग एंगल से पूछे जा रहे थे। बहुत सही बात है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े वर्ड्स ना चेंज होते रहते हैं, बट एक्चुअल में उसका थीम वही होता है क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया है,
तो चलता गया, मैं उनका नोट करता गया, एनालाइज करता गया। तो मुझे एक दिन कॉल आता है सर, जिसका भी करंट कंपनी में काम है, मुझे एक कॉल आता है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो चुकी है एज ए सीनियर डेटा। तो सर मैं एज ए अच्छा, सीनियर सीनियर डेटा एनालिस्ट, वेरी नाइस डेटा वेरी एनालिस्ट नाइस। के, तो उनकी डिमांड जो थी वहाँ, उनकी डिमांड बिल्कुल क्लियर थी सर। उनको पाइथन सीक्वल सर्वर और पावर बीआई चाहिए था। उनकी जो 95% डिमांड थी सिर्फ पावर बीआई थी। 95% रिक्वायरमेंट थी पावर बीआई, रेस्ट 5% यस पाइथन एसक्यूएल। यस सर। तो सर ओके उस टाइम पे मैंने क्या किया, उन्होंने 2 दिन का मुझे टाइम दिया कि आपका 2 दिन का इंटरव्यू शेड्यूल है, आप प्रिपरेशन कर लीजिए। तो मैंने 2 दिन सर मोर देन 5 to 6 डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किए विद इन 2 days, अलग अलग डेटाबेस दो में दिन अलग अलग। जी सर, वेरी 2 दिन नाइस क्रिएट किए। तो सर जो वो कंपनी थी मेरी, अभी जो कंपनी है यूएस बेस्ड कंपनी है सर, और रिक्रूटर ने जी, मुझे ठीक पहले क्लियर किया था जो आपके इंटरव्यू होने वाले हैं वो यूएस बेस्ड टाइमिंग पे होने वाले हैं। है। उस टाइम पे सर जहाँ पे कुंडली इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उस मैंने एक छोटा रूम लिया हुआ था सर, वहाँ पे इंटरनेट अच्छा कनेक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं थी। कभी मॉम डैड का कॉल आता था तो मुझे बाहर जाके कॉल पिक करना पड़ता अच्छा था। तो ओके मेरे हाँ सामने एक सिचुएशन ये थी सर कि अब मैं इंटरव्यू दूं तो दूं कैसे, इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, यूएस बेस्ड होने वाले हैं और वो भी बहुत हाई फाई होने वाले हैं, मुझे आइडिया नहीं था कैसे होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया सर, राइट स्पेशल 3000 के लिए मैंने एक वाईफाई इनेबल्ड करवाया वहां पर अपने रूम में अच्छा स्पेशली। मेरे इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे तो सर वहां पे मेरे 5 to 6 राउंड हुए थे इंटरव्यू के, ये और सारे उन आपके मेरे ऑनलाइन हुए थे। ओके सभी ऑनलाइन हुए थे सर, सभी ऑनलाइन हुए थे। और उन इंटरव्यू में मेरे से सिर्फ एक्सेल, और एक्सेल का बहुत कम कह सकते हो, पावर बीआई 95% पावर बीआई पूछा गया था। और उस इंटरव्यू में मैंने अपने पावर बीआई डैशबोर्ड लाइव शो किए थे, लाइव इंटरेक्शन करके उनको दिखाया था, परफॉर्म करके दिखाया था, उस बेस पे उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। यहाँ पे आपका पैकेज का क्या मिला आपको, पैकेज यहाँ पे जो आपकी यूएस बेस्ड यहाँ पे कंपनी में? सर पैकेज, यहाँ पे अभी करंटली आई एम वर्किंग एज 8.5 LPA सर। 8.5 LPA का पैकेज, मतलब पहले यस सर, यस सर 30,000 रुपये महीना आप कमा रहे थे और अब आपका पैकेज जी था 8.5 लाख पर एन। एल तो इन हैंड यस अब सर, आपके पास क्या आता है, इन हैंड इन सैलरी हैंड मेरे सब पास 63-64 आती है पीएफ रिडक्शन और रिडक्शन करके सर। कुछ प्रोडक्शन के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है यहाँ पे, जी ऊपर जी बाकी जी सर, जी सर मेडिकल एंड भी बहुत जी सारे सब काट इक्विपमेंट पे जी सर है, मतलब सैलरी आपकी डबल से भी ज्यादा हो गई। जी और सर एक चीज मुझे ये बताओ कि जो डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे थे कुंडली के अंदर, और जी उसके बाद अब आपकी सीनियर डेटा एनालिस्ट लगी, इसमें कितना टाइम लगा, कितने टाइम बाद आपकी सीनियर डेटा एनालिस्ट की जॉब लगी थी? ये लगभग मुझे 3 महीने लगा इसमें। तो डेटा एनालिस्ट की जॉब आपकी कब लगी थी, कौन से ईयर में लगी थी? डेटा एनालिस्ट की जो मेरी लगी थी सर यही मई में, मई में मई कौन से ईयर में, 2021, मई नो टू सॉरी थाउजेंड ट्वेंटी 2022, वन 22 सर, सॉरी 22, अच्छा मई लास्ट ईयर। ओके अच्छा लास्ट ईयर ही आपकी जॉब लगी है डेटा एनालिस्ट की, और उसके यस बाद आप कह रहे हो कि अब यहाँ 2022 में ही आपकी जो करंट नवंबर में, यूएस बेस वहां पर आपकी जॉब लगी है, वो कब लगी है जॉब आपकी? ये नवंबर, नवंबर में इंटरव्यू क्लियर हुआ था सर, नवंबर में इंटरव्यू किया, और ज्वाइनिंग कब हुई थी? 5th of December सर। 5th of December, मतलब सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर जी सर, आपकी सैलरी 30,000 से 63,000 इन हैंड हो गई, मतलब 30,000 जी रुपये आपकी सर, सैलरी हुई, और उसके बाद अब आपका जो पैकेज है 8.5 लाख पर एनम का, यस जी सर, यस बहुत सर, तगड़ी ग्रोथ है, बहुत तगड़ी ग्रोथ, थैंक यू सर, बहुत अमर। और मैं एक चीज और भी आपको बोल सकता हूँ कि इस जी सर, कंपनी में जो आप बता रहे हो यूएस बेस्ड कंपनी है, अब इसके जी अंदर आपको लर्निंग भी बहुत ज्यादा हो, सर, यहाँ हालांकि पे जो अगर आप लर्निंग है, बैंगलोर जी बेस्ड, बैंगलोर में है जी ना इनका ऑफिस, तब आप बैंगलोर शिफ्ट हो सर, चुके हो, जी सर अभी मैं बैंगलोर में हूँ 2 महीने से। ग्रेट, वहां तो जी सर, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, आप सर यहाँ बस पे अपॉर्चुनिटी की ग्रो कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अपनी क्या करो। आगे अपनी स्किल इंप्रूवमेंट करनी है मुझे, मेरा बस सिर्फ एक ही टारगेट स्किल को इंप्रूवमेंट करना है। राइट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हैट्स ऑफ टू यू संजय, बहुत ही थैंक यू जबरदस्त सर, आपकी जर्नी रही है यार, बहुत जबरदस्त जर्नी थी, थैंक यू थैंक यू, मतलब एंड बिकॉज ऑफ यू सर, बिकॉज आई वॉच योर फर्स्ट वीडियो में पार भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस पूरे डिस्कशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि कैसे संजय ने नॉन आईटी में होते हुए आईटी में आए, कैसे उन्होंने ये शिफ्ट किया, कैसे उनकी सैलरी 8 टाइम्स 9 टाइम्स मल्टीफोल्ड हो गई जस्ट एक शिफ्ट की वजह से, राइट? कैसे कैसे उन्होंने पावर बीआई समझा, कैसे वो इंप्लीमेंट की। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको भी नॉन आईटी से आईटी में आना है, सैलरी एक्सपेक्ट करते हो मिनिमम 6 लाख पर एनएम की, और आप कोडिंग प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते, तो आप डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो। इसके अंदर आने के लिए मैं एक रोड मैप आपको समझा सकता हूं अपनी एक फ्री मास्टर क्लास के थ्रू,
जो कि बिल्कुल ऑनलाइन होने वाली है और बिल्कुल फ्री होने वाली है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे आपको मैं बोनस देता हूं वर्थ ₹1500, जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ई बुक है ऑन बिकमिंग ए डेटा एनालिस्ट, आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो फर्स्ट कमेंट में गिवन है, जाकर आप क्लिक करिए, साइन अप करिए, मुझे मिलिए और सारा रोड मैप समझिए डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास।